आज जो क्लास अपन लेने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज था कि इसको, क्योंकि पहले अपने हमारे अपने डिप्रेशन पे भी लेक्चर्स हो चुके हैं और ग्रीफ पे भी हो चुके हैं, ठीक है ना। दुखी, ग्रीफ एंड डिप्रेशन, ठीक। ग्रीफ मतलब कोई ऐसी घटना घटी जिससे कि इंसान दुखी है, मोटे तौर पे। और डिप्रेशन का मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसकी डिग्री कितनी भी ज्यादा हो सकती है और कितनी भी कम हो सकती है। जहां तक अपन एलोपैथी की बात करते हैं, तो एलोपैथी में डिप्रेशन उसको बोला जाता है, सर्टिफाइड वो डिप्रेस्ड है वो इंसान, अब वो कि अब उसको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन्स चल रही हैं। लेकिन एक होम्योपैथ के लिए वो सिर्फ डिप्रेशन का एक छोटा सा भाग है, आगे बढ़ी हुई कंडीशन। जैसे कि एसिड फॉस का डिप्रेशन कैसे होता है, कुछ अच्छा नहीं रहा, अब इंडिफरेंट हो गए बिल्कुल, पूरी तरीके से कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई से, दिन से, दुनिया से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है एसिड फॉस को। एसिड फॉस के बारे में द ग्रेट डॉक्टर HC Allen अपनी एलेंस की नोट में लिखते हैं, लाइस लाइक ए लॉग। क्या लिखे हैं? लाइस लाइक ए लॉग, यानी कि लकड़ी के लट्ठे की तरह पड़ा हुआ है। मतलब वो हिल नहीं सकता, वो डुल नहीं सकता खुद से। अगर हम उससे कुछ कहें या उससे, तो कोई रिस्पॉन्स उधर से आ नहीं सकता। लकड़ी के लट्ठा कहने का मतलब ये है। डॉक्टर बोगर ने तो एक टाइफाइड का बहुत जबरदस्त केस बच्चे का ठीक कर दिया था जब उससे मिलने गए थे। पहले दिन गए देखने, तो कोई उनको प्रिस्क्राइब करने वाला सिम्टम ही नहीं मिला। डॉक्टर बोगर बोले कल आके देखूंगा। घर वाले हैरान, क्यों भैया? बोले अभी नहीं। और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे घर वाले, बाकी सब चीजों से हार चुके थे, इसलिए डॉक्टर बोगर के पास कोई पहुंचा दिया होगा, किसी ने रिकमेंड कर दिया होगा, भैया एक बार वहां पे भी देख लो, नाम सुना है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत सारे लोग वहां से ठीक हुए हैं, ऐसा कुछ बोला होगा। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी वापस आ गए बिना दवा दिए। तीसरे दिन जब वो गए और अंदर जैसी गए, तो बच्चे के मम्मी पापा ने बोला, बेटा डॉक्टर साहब आ गए, नमस्ते करो। करता था रोज वो, आज वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सिर्फ दीवार की तरफ ऐसे देखे जा रहा है। बेटा ये अच्छे मैनर्स नहीं है, डॉक्टर साहब आए हैं, जरा इनको हेलो तो कहो, गुड मॉर्निंग कहो, सलाम कहो, कुछ भी कहो। ऐसा कुछ माहौल था वहां का, लेकिन वो बिल्कुल नो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। देन डॉक्टर बोरिक हैज डिसाइडेड, नाउ आई हैव द सिम्टम टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी, एंड द रेमेडी वॉज एसिड फॉस, एंड इट सिंगल डोज ऑफ एसिड फॉस डिस्ट्रॉयड द फीवर। ठीक, तो कहने का मतलब अच्छा नहीं लगना, जो सर्टिफाइड डिप्रेशन की जो लोग, उसके लिए हमारी होम्योपैथी में सैडनेस एक बड़ा रूब्रिक है। सैडनेस मतलब फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग गुड, सिर्फ दैट इज फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग गुड, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, दिल नहीं लग रहा, कैसे भी कह सकता है। फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए, फीलिंग्स को फील करने की कोशिश कीजिए एज ए होम्योपैथ। तो उसके लिए सैडनेस में हमारे लिए एक रूब्रिक है, सैडनेस ग्लूमी, जिनको अपन सर्टिफाइड डिप्रेशन के मरीज बोलते हैं, जो साइकेट्रिस्ट की दवा खा रहे होते हैं, तो उसके लिए सैडनेस ग्लूमी है।
एक अच्छा खासा हंसता खेलता आदमी भी जो कहीं से भी डिप्रेस नहीं दिख रहा है, बड़ा खुश है, लेकिन केस टेकिंग के टाइम बोलता था डॉक्टर साहब मेरे को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अकेले में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे पास रूबरिक है सैडनेस अलोनमेंट, वो सिर्फ जब अकेला होता है तब डिप्रेस्ड होता है। ठीक, सो ये एक छोटी सी बात हुई, तो देखेंगे बाद में डिसाइड करेंगे कि इस लेक्चर को लेक्चर हो जाए, मुझे भी नहीं पता होता कि लेक्चर कहां मूव करेगा, किधर से जाएगा, कि अपन डिसाइड करेंगे बाद में कि इसको ग्रीफ के नेक्स्ट में डालें कि डिप्रेशन के नेक्स्ट में डालें। ठीक, उससे पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जो भी आज ही कल में घटी, और याद रखना कोई भी चीज सब्जेक्ट से बाहर नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं बताऊंगा, इसको रिलेट करूंगा कि क्यों ये बात की जा रही है आपसे। मेरे ऊपर वाले की मेहरबानी से ऑल ऑफ द वर्ल्ड में मेरे पेशेंट्स हैं, हर जगह से करीब करीब ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है। तो मुझे अब पहचान में आने लगा है, जब भी कोई मुझसे कांटेक्ट करता है थ्रू व्हाट्सएप के, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये यूएसए का नंबर है, ये पाकिस्तान का नंबर है, ये बांग्लादेश का नंबर है, ये यूके का नंबर है, ये साउथ अफ्रीका का नंबर है, ये यूएई का नंबर है, ये समझ में आ जाता है। तो एक पाकिस्तानी नंबर से मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, सर मैं बहुत ही फियर का मरीज हूं, बहुत ही छोटी छोटी बातों में डर जाता हूं, बहुत 3-4 साल से मुझे ऐसा कुछ लिखा था परेशानी है, बहुत इलाज करा चुका हूं, मैं नई दिल्ली से हूं, मेरा नाम करण है, और कुछ लफ्ज वो ऐसे यूज कर रहा था जो मोस्टली पाकिस्तानी यूज करते हैं, जस्ट लाइक, और मसला ऐसा है, मसला शब्द जो है ज्यादातर मेरे पाकिस्तानी पेशेंट्स यूज करते हैं, मैंने कल कोई ध्यान नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि वैसे ही मेरे पास टाइम होता नहीं है, लिख लिया जाता है, फिर जरूरत होती है तो फिर ये लोग मैनेज करते हैं अपॉइंटमेंट्स। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज सुबह फिर मेरी नजर पड़ी जब उस पे, तो मैंने उससे कहा, लिखा उसको कि आपका नंबर तो पाकिस्तान का है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूं। आमतौर पे मेरे पास जवाब देने का टाइम नहीं होता है, मुझे इंडिफरेंट रहना पड़ता है बहुत सारे मैसेजेस से, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से दिल हुआ, बोला मैं उससे। तो फिर जैसे चोरी पकड़े जाने पे हड़बड़ाहट में भैराहट में लिख के, हाँ वो क्या है कि मेरे अब्बू पाकिस्तान गए थे, फिर वहां, फिर मेरी दोनों फैमिली में पाकिस्तान है, फिर मैं वहां से आ गया, फिर मैं वहां चला गया, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा। ये आदमी फियर का इलाज कराने आया है, और ये आदमी जिससे इलाज कराना चाहता है उसको भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और कुरान में ऊपर वाला इंसान से फरमाता है, याद रखना, इंसान से फरमाता है, मुसलमान से नहीं, हिंदू से नहीं। क्या बोलते हैं साईं बाबा की फोटो, सबका मालिक एक, दैट इज ट्रू। वो फरमाते हैं कि सजा तुरंत आ जाती है, आपने कोई गलत काम किया, बाद में मरने के बाद नहीं। क्या लिखा हुआ कुरान में, अल्लाह इज स्विफ्ट इन अकाउंट
ऊपर वाला ईश्वर भगवान हिसाब में बहुत तीव्र होता है, स्विफ्ट इन अकाउंट, लिखा है कि नहीं? कभी पढ़ना तुम, तुरंत सजा आती है, आपने गलत काम किया, आपके दिल में ऊपर वाला फियर डाल देता है, एंजाइटी डाल देता है, सजा इमीडिएटली आ जाती है। बना लो बेवकूफ किसी को, कर लो धोखाधड़ी, कर लो मनमानी, मैं देखा है लोगों को आते हैं मेरे पास, पैसों के ढेर में बैठे हुए, नींद नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, एंजाइटी में है, फियर में है, दुखी है। इसलिए नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, है ना। बुद्ध कहते हैं, पहला आर्य सत्य क्या कहा बुद्ध ने, दुख है, मिजाज ही बनाया है ऊपर वाले ने इस दुनिया का, तुमको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा सिवाय यू हैव टू गो इन, अपने अंदर जाना पड़ेगा। बस और वो आदमी ऐसे काम कर रहा, फियर का इलाज कराने आ रहा, सी मैंने उससे लिख के भेजा, धोखेबाज की और गलत काम करने वाले की तुरंत की सजा यही आ जाती है ऊपर वाले की तरफ से कि वो उसके दिल में डर डाल देता है, सुकून चैन फियरलेसनेस, क्योंकि अगर आपका माइंड फियरलेस है, आपकी चेतना अगर अकंप है, कपती नहीं है जरा जरा सी चीजों से, तो ही आप हाईएस्ट पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, जिस चीज के लिए आपको ईश्वर ने बनाया है, जो छुपी हुई आपके अंदर की इनहेरेंट यूनिकनेस है, वो तभी बाहर आती है। यू गॉट माई पॉइंट, है ना। और सुकून कैसे मिलता है, कुरान में एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सुकून तो सिर्फ मिलता है उसके जिक्र से और उसकी मेहरबानी से। तो ध्यान रखना कि उसकी मेहरबानी पाने वाला काम कर रहे हो कि उसके अजाब को लाने वाला काम कर रहे हो। ऊपर वाला एक है, बिल्कुल गफलत में मत पड़ना, टू द पॉइंट रहना, अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख पे अपना रखना, रिजल्ट पे ध्यान रखना। इफ रिजल्ट इज राइट, प्रोसेस इज राइट, ऐसे ही हम पहचानते हैं किसी को। और ये क्यों बताया जा रहा है ये चीजें, ऐसा लग रहा है वो आउट ऑफ सब्जेक्ट, डॉक्टर साहब तो थियोसोफी की पे बात करने लगे, नहीं, ताकि ये एक मैनेजमेंट है होम्योपैथ का, जब उसके पास कोई फियर का पेशेंट, एंजाइटी का पेशेंट ट्रीटमेंट कराने आता है, तो आपको उसको बताना पड़ता है कि अपनी लाइफ स्टाइल में क्या आप बदलाव करें, क्या क्या चीजें करना बंद करें और किन किन चीजों पर ध्यान दें, और आपकी रेमेडी, क्योंकि डिजीज अगर वो ऐसा करता, नियम कायदे मालूम होते, नियम से चलता, मनमानी नहीं करता, अहंकार के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, डर के चक्कर में, जेलेसी के चक्कर में, ईगो के चक्कर में, मोह के चक्कर में अगर नहीं पड़ता, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो यहां तक डिजीज तक पहुंचता ही नहीं ना। कबीरदास जी का एक बहुत उस लड़के का या जो भी है, ये जो घटना हुई व्हाट्सएप वाली, इससे मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आया, बड़ा छोटा सा बड़ा बेहतरीन दोहा है, कि करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। ओके, सो याद रखना, ठीक है, कि आपको जब आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आए, फियर के, एंजाइटी के, गिल्ट से भरे हुए पेशेंट आते हैं, जो गिल्ट में डूबे हुए हैं, गिल्ट उनको खाया जा रहा है,
गिल्ट उनको बीमार कर रहा है, डायबिटीज लेके आ रहे हैं, एपिलेप्सी लेके आ रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेके आ रहे हैं, आते हैं ना, देखती हूं ना, बड़ी बड़ी चीजें लेके आ रहे हैं। तो जब आप खुद स्वस्थ नहीं होगे तो उसको कहां से हिदायत दोगे? सो प्रैक्टिस ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी इज ए जर्नी, इज ए डेवलपमेंट, इज ए एन एनलाइटनमेंट प्रोसेस, एनलाइटनिंग प्रोसेस, प्रोसेस फॉर एनलाइटनमेंट। अगर इसी को डूब के कर लो ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का जो नाई समाज है, उनके जो संत हैं, उनका नाम है सेना नाई, उनके सेंट जिनको वो फॉलो करते हैं। ऊपर वाले ने कुरान में क्या फरमाया है, ऐसी कोई भी उम्मत नहीं हुई, कोई भी कम्युनिटी नहीं हुई जहां हमने अपना पैगंबर नहीं भेजा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं मालूम था इसलिए हम ये काम कर रहे थे। बात सब तक पहुंच जाती है। तो सेना नाई तो इतने डूब के नौवे का ही काम किए कि वो एनलाइटेंड हो गए। आप अपने काम में भी हो सकते, समझे? तो इस लेवल से आप अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से डेवलपमेंट करो आप अपना, है ना। सो अब इसको अपन जो आज लेक्चर पे बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब डिजीज कंडीशन में आते हैं। अभी हेल्दी कैसे रह जाए, बीमारियों से कैसे बचा जाए, उसके बारे में अपन ने, अनप्रेजुडिस माइंड कैसे रह जाए, उसके बारे में अपन ने थोड़ी सी बातें करी, ठीक ना। एक 40 साल का करीबन कुछ महीनों पहले एक पेशेंट 40-41 ईयर्स ऑफ एज, वेरी गुड पर्सन, सोफिस्टिकेटेड पर्सन, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, उसकी सिस्टर मुझे मेरे पास लेके आई क्योंकि वो यहां से ठीक होके गई थी। लेके आई डिप्रेशन में, दोबारा जब दिखाने को बोला, जब वो वहां था कि ऑनलाइन नहीं, बात ही नहीं कर रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से वो इस तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसकी बहन उससे बहुत मोहब्बत करती जो यहां रहती है भोपाल में, वो बहुत पीछे पड़ी हुई कि किसी तरीके से डॉक्टर साहब के पास ले आऊं, किसी तरीके से यहां से ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट हो जाए, और वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। उसने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया, पूरी तरीके से किसी से भी बात नहीं कर रहा, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, बीमार पड़ रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट हो गया उसको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में उसको पेन यहां से शुरू होता गर्दन से और पूरा सर जकड़ लेता ये पीछे का हिस्सा, ठीक है ना। लेस इलास्टिन वाली कंडीशन, साइकोटिक कंडीशन पैदा होने लग गई, लेस इलास्टिन वाली कंडीशन, जिससे कि उसको इस ड्यूरिंग स्टूल प्रोलैप्स होने लगा, उसका रेक्टम बाहर आ जाता था। दुखी, इसको कहते हैं सैडनेस, ग्लूमी। कोई भी देख के कह देगा कि यार ये डिप्रेशन में चला गया, सैडनेस ग्लूमी। और उसने क्या किया, कर क्या रहा है वो? जो भी इंसान कर रहा होता है वो उसका रिस्पांस होता है। उसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, कोई समझ नहीं पाएगा शायद, उसको ऐसा लगता था, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से, भाई समस्या के अंदर जो है उसको पता होता है, बाहर खड़े होकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ठीक। तो हमारे पास एक रूब्रिक है माइंड चैप्टर में, सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर आप खोलें, वो कर क्या रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, कि वो रिजर्व्ड हो गया। और जब आप रिजर्व्ड नाम का रूब्रिक जब देखेंगे तो यहां पे बहुत सारी रेमेडीज हैं, 100 के ऊपर रेमेडीज हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की सिर्फ 2 रेमेडी हैं। इतना प्रोमिनेंट, इतना स्ट्राइकिंग कि उसके आसपास उसके चाहने वालों को यही समस्या हो रही है कि इसने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया कमरे में, किसी से काम धाम करता है वहीं से ऑनलाइन और ये वो, क्योंकि चल रहा कोरोना, घर से ही काम हो रहा,
एसिड फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं है ये इंडिफरेंट नहीं हुआ, बकायदा वो अपना ऑनलाइन जो भी है वर्क फ्रॉम होम कर रहा। तो दो रेमेडी इनमें जो है फर्स्ट ग्रेड में दी है, नेट्रम्यूर एंड फॉस्फोरस। ठीक, कहानी ये उसकी वाइफ से उसका सालों से झगड़ा चल रहा है, एक आध दो साल से, तीन साल से या ज्यादा हो गए शायद। वो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, ताने देती है, जलील करती है, ज्यादा बहसबाजी हो जाती है तो अपने भाई वगैरह या किसी को बुला के जो लॉयर हैं या ऐसे कुछ हैं प्रभावशाली, धमकी दिलवाता, और वो बेचारा छोड़ के नहीं जा रहा। क्यों? बीच में एक आध महीने के लिए छोड़ के चला गया, अकेले भी रहने लग गया, लेकिन नहीं, फिर घर वालों ने भी बोला क्यों, क्योंकि बच्चा है उसका, एक बेटा है उसका, एक यंग ही है, 7, 8 या 10 साल की, इसके अराउंड आसपास ऐसे कुछ बेटा है। तो जिम्मेदारी के चक्कर में, लोगों के समझाने के चक्कर में, लेकिन इसको मेन चीज क्या हुई कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके चक्कर में अब वो आके वापस रह रहा है, जलालत सह रहा है, झगड़ा झंझट सह रहा है, रोज के झगड़े, बोलने ही छोड़ दिया, उससे भी बोलना छोड़ दिया, बोले जरा भी बोलूंगा ये तुरंत उतर जाएगी और फिर पूरे खानदान और मां बहन सब एक कर डालेगी, उसकी आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा देगी। इसलिए बोलना ही नहीं, बोलती रहे, बाकी दूसरे लोगों से भी, अपने चाहने वालों से भी संपर्क तोड़ लिया, रिजर्व हो गया, वहां पड़ा पड़ा सब सह रहा है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी, बेटा है मेरा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के कैसे चला जाऊं। वी आर हैविंग अ रूब्रिक, अब अपने पास आ गया, सैडनेस, ग्लूमी, रिजर्व, क्या कर रहा है वो, रिजर्व, बिल्कुल घुस जाना केस में, अपने आप रूब्रिक्स निकल निकल के आएंगे अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग है तो। इफ यू हैव गॉन थ्रू इट सिंसियरली, वो आपकी नजरों के सामने से गुजरा है और आप ऊपर वाले की मेहरबानी पाने वाले काम कर रहे हो, तो सही समय पे वो अपने आप ऐसे निकल के आता है। बात समझे? ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। खैर, ये एक आ गया, रिजर्व हो गया वो, दूसरा ये रूब्रिक आ गया, और जिम्मेदारियों की वजह से वो सब बर्दाश्त कर रहा है, तलाक भी इसलिए, नहीं ले रहा, और लेना चाहेगा भी तो उसकी बीवी देने नहीं वाली, छोड़ने नहीं वाली उसको बिल्कुल एकदम। She is acting like a cold-blooded person. तो हमारे पास ये जो prominent, striking, जिम्मेदारी की वजह से वो सब सह रहा है, अपनी जिम्मेदारी फील करता है, वो स्वार्थी नहीं है वो। हमारे पास जब हम
सिंथेसिस रिपर्टरी में खोलेंगे माइंड चैप्टर, उसमें रूब्रिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक सब रूब्रिक है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। वो तुमको शायद याद नहीं होगा सुमन, डॉक्टर सुमन, लेकिन ये केस जब हो रहा था तो तुम यहां बैठी हुई थी, याद आया है ना। अब नाउ यहां अभी जो अपन ने बात की, यहां कुछ ऐसे छुपे रूबरिक हैं जिन पे आपका ध्यान नहीं गया होगा। समझिए उसने क्या बोला, अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया उसको, बोलती रह तू, क्यों मैं कुछ भी अगर जरा सा बोलूंगा तो फसाद होगा, फिर वो पूरी माँ बहन एक कर देगी पूरे मेरे, उसका कहने का मतलब ये था, फिर कुछ नहीं, कुछ इज्जत नहीं, माँ बाप सब पे बात हो जाएगी। एक छुपा हुआ रूब्रिक है यहां पे। क्यों, कौन सा डर है जो उसको रोक रहा है लड़ने से, बोलने से, जबकि वो तो उसको बातें सुना रही है। वापस चोट खाने का डर, फियर इंज्योर्ड ऑफ बीइंग, फियर ऑफ बीइंग इंज्योर्ड, रूब्रिक फियर के अंदर है, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंज्योर्ड, चोट खाने का डर के अंदर एक सब रूब्रिक नीचे दिया हुआ है, बड़ा ब्यूटीफुल सब रूब्रिक है वो, और ये है फियर ऑफ बीइंग ऑफ इंजोरिंग अदर्स, दूसरों को चोट पहुंचाने में डरता है। इसके अंदर एक सबसे रूब्रिक दी है, क्यों, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं इसको चोट पहुंचाऊंगा, तो नीचे सबसे रूब्रिक दिया है फॉर फियर ऑफ बीइंग हर्ट हिमसेल्फ, कि मुझे खुद को चोट ना पहुंच जाए। अब वो चाहे आत्मसम्मान के नाम पे, भैया हम तो नहीं बोलते, कौन उनके मुंह लगे, उनकी तो कोई इज्जत है नहीं, वो तड़ से बोल देंगे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, ऐसा बोलता है नेटरम्यूर वाले लोग। दे फियर, उनको डर है दूसरों को चोट पहुंचाने से, क्यों, क्योंकि वो खुद चोट पहुंचने से बचना चाहते हैं। मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया उससे, कौन बोले, क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा अगर तो फिर और रियली वो लेडी बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम इस रूब्रिक के थ्रू अगर जाते हैं कि फियर ऑफ बीइंग हर्ट हिमसेल्फ की वजह से वो दूसरों को इंज्योर करने में डरता है, अगर हम इस रूब्रिक को लेते हैं तो हमारे पास सिंगल रेमेडी आ जाती है, नेट्रम्योर। ठीक, अब लेकिन मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एंगल से इसको चेक करूं। ठीक, अब अपन एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, अपने पास चार रेमेडी ही रहने देते हैं, ये फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा बारीक सा है, लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत होती, किसी को समझ में नहीं आए। सालों से झगड़े चल रहे, रोज का है झगड़ा, तंग आ गया वो झगड़े झंझट से बिल्कुल एकदम रोज रोज के। द रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, अगर हम इसको जोड़ते हैं यहां पे, तो जो चार रेमेडी हमारे पास है, नाइट्रम्यूर, इग्नेशिया, आर्सेनिक एंड लाइगोपोडियम, वहां पे सिर्फ दो रह जाती है, नाइट्रम्यूर एंड इग्नेशिया। नाइट्रम्यूर इज अ क्रॉनिक ऑफ इग्नेशिया, अक्सर इग्नेशिया के बाद कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नाइट्रम्यूर दी जाती है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है। अब ये दो बज गए, चलो अपन ने इस रूब्रिक को भी छोड़ दिया, बाय चांस आपके आपको स्किप हो गया, आपको नहीं समझ में आया, ठीक। तो एक बड़ा जबरदस्त रूब्रिक
क्या बोला था वो डॉक्टर सुमन, मुझे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, अपने बेटे की भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत जब अच्छे तरीके से सब इन्हें प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, प्रोग्राम करके रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा इवन कि मेरा बेटा इस क्लास में पहुंचेगा तो उसको इतने रुपए मिल जाएंगे, इस क्लास में पहुंचेगा तो वहां से उसको इतना, और मैं इस एज पे तक आके ये कर लूंगा, इसके बाद ये कर लूंगा, बिल्कुल मेरा सब प्रोग्राम है। इतना स्ट्राइकिंग बोला वो, तुम सुन रही थी यहां पे बैठ के। वे लोग जो हर चीज बहुत सावधानी से प्रोग्राम बना के करते हैं, द रूब्रिक एक डिस्पोजिशन है। और जब हम काफी रेमेडीज के ग्रुप में से इंडिविजुअलाइज कर रहे होते हैं तो डॉक्टर हेनीमैन ने क्या कहा है, डिस्पोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके काम आ सकती। अपने पास एक रूब्रिक है प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, अगर हम प्रोग्रामिंग एवरीथिंग को ले लेते हैं तो अब हमारे पास यहां पे दो बच जाती है, नेचुरल म्यूर एंड आर्सेनिक। कौन कौन होता है जो हर चीज प्रोग्राम करके करता है? दो ही रेमेडी है, स्ट्रॉन्ग है आर्सेनिक, हर चीज बिल्कुल प्लान करके प्रोग्राम करके करता है, आउट ऑफ द ब्लू उसका नहीं होता, बेहतरीन व्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित जिंदगी। अगर ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रोमिनेंट है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ, इस तरह की पॉलिसीज लेके रखा हुआ है, आर्सेनिक एंड नेट्रम्यूर, ये दो लोग जिसमें ज्यादा प्रोमिनेंट है आर्सेनिक। बट उसकी बीवी क्या करती है, उसको खूब जली गटी सुनाती, रोज का है। तो कोई अगर आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, कोई आपको बुरा भला कहे, कोई आपको जली गटी सुनाए और उससे परेशानियां आए, वो एक प्रोमिनेंट फैक्टर हो आपकी लाइफ का, एक मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज हो, जैसे कि एफोरिज्म 5 में डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एक्यूट केस एज वेल एज इन होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर एक्साइटिंग कॉजेज, प्रोबेबल probable exciting causes, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, कोई इस तरह की चीजें झेल रहा है या झेला हुआ है तो ailments from being reproached, आती हैं औरतें कई, मेरी सास ने मुझ पर एक बार चोरी का इल्जाम लगाया था, सबके सामने मुझे बहुत नीचे, ailments from being reproached, ailments from mortification। अगर हम ailments from being reproach ले लेते हैं, arsenic नहीं है वहां पे, ailments from being quarreling ले लेते हैं, arsenic नहीं है वहां पे। और जो मैंने वो जो rubric बताया था आपको, और आश्चर्यजनक रूप से very wonderfully जो उसका एक बहुत prominent जो main symptoms जो थे, सर्वाइकल स्पॉन्ड, क्या कहते थे, यहां से गर्दन से दर्द शुरू होता है और वो पूरा पिछले हिस्से को जकड़ लेता है, इस रूब्रिक को बैक चैप्टर बैक के अंदर पेन के अंदर सर्वाइकल रीजन एक्सटेंडिंग टू ऑक्सीपट, देर आर 29 रेमेडीज इन दिस रूब्रिक, बट नेट्रम्यूर इज देयर, आर्सेनिक इज नॉट देयर। Fear of injuring others for fear of being hurt himself, खुद चोट से बचने के लिए किसी को चोट पहुंचाने से डरता है। भाई अपन किसी के साथ मस्ती मजाक नहीं करते, क्योंकि अपने से अगर कोई बदतमीजी और ऐसे कर रहे थे तो अपने से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम करते ही नहीं किसी से, इसलिए बेहतर होगा आप भी मत करो। That is natural. वेरी प्रोमिनेंट, अगर प्रोमिनेंट फीचर हो, वेरी प्रोमिनेंट फीचर, दैट इज नेचुरल।
नेट्रम्यूरल इम्पोटेंसी में प्रिस्क्राइब की गई उसको। कल तुमने वो केस देखा था, जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री, 15 days एक, 15 days अलग, फिर 15 days। अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं उसके, 3 महीने बाद मैंने बोला था बात करने के लिए, पर 2-2.5 महीने हो रहे होंगे, 2 महीने के आसपास, लॉकडाउन के टाइम की बात है, तब से अब तक। उसकी सिस्टर आई थी 1-2 दिन पहले अपने हस्बैंड के लिए दवा लेने, बहुत खुश थी, बता रही थी वो बहुत अच्छा हो गया, उसको बहुत फायदा है। तुम बैठी थी ना, हाँ, उसको बहुत फायदा है, बहुत अच्छा हो गया है, हंसने बोलने लगा है, सबसे फोन पे बात करता है, घूमने जाता है रिश्तेदारों के यहाँ, थोड़ा सा मन महला के आ जाता है, उसका दर्द ठीक हो गया, प्रोलैप्स में सब चीजों में आराम लग गया। अभी कुछ भी लेके आ सकता था, जैसी जेनेटिक वीकनेस होती वैसा मैनिफेस्ट हो जाता, डायबिटीज लेके आ सकता था, नर्वस ब्रेकडाउन लेके आ सकता था, कैंसर लेके आ सकता था, रूमेटाइड आर्थराइटिस लेके आ सकता था, पर अप्रोच पे आप ध्यान रखें। मेन था क्या, डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूमी जो दिख रहा था, और फिर वो जैसा जैसा बिहेव कर रहा था, जैसे अपने आप को रिजर्व कर लिया, ये सब उसके बारीकी से चेक करना, उसके डिस्पोजिशन, जब आप की ट्रेनिंग बार बार होती चली जाती है, आपका एक्सपीरियंस बार बार होता चला जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब अनप्रेजुडिस माइंड का गिफ्ट आपको ऊपर वाले की तरफ से मिलने लग जाता है, तो ऐसे फिर रूब्रिक्स आते हैं खट 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 दिमाग में। प्रॉपर ट्रेनिंग, रिपीटेड एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो एक पहलू था कैसे नेट्रम्यूर, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, बोलने में डर लगता है, लोगों ने ऐसे किया है, प्रोमिनेंट किसी चीज में कोई दवा काम हुई उसको पकड़ लिया, जैसे आर्सल्फ्लेवम बहुत मिसयूज होता है, सफेद दाग के नाम पे कई लोग आर्सल्फ्लेवम ही देते हैं, तो फिर अंधी बिंदी वाला काम हो जाता, लग गई नहीं लगी तो नहीं लगी। इसलिए ये बोल रहे ना कि हाँ ऐसा डिप्रेशन मिल गया तो नेट्रम्यूर, नहीं, यू हैव टू इंडिविजुअलाइज द केस, यू हैव टू सी एवरी केस एज अ न्यू केस विथ हैविंग नो प्रेजुडिस, नॉट एट ऑल एनी प्रेजुडिस, प्रेजुडिसेस इन योर माइंड। ट्राई टू डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, आप उसको वॉट एवर कुछ भी कह सकते हैं, आप मुस्लिम्स नमाज कह सकते हैं, क्रिश्चियंस प्रेयर कह सकते हैं, कोई मेडिटेशन कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, ऊपर वाले तक पहुंचने के रास्ते अनंत हैं। ठीक है, ऊपर वाले की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए तुलसीदास की एक चौपाई है, बहुत मुझे बहुत प्रिय है, हरि, हरि बोल रहे हैं वो किसको, गॉड को, ईश्वर को, खुदा को, हरि बोला जाता है, उसके कई नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, गॉड इज इनफाइनाइट, हरि कथा अनंता, उसकी कहानियां इनफाइनाइट है, बहुविधि कहें सुने सब संता, हर संत अपने अपने तरीके से कई तरीके से कहता है, और फिर भी उसके बारे में ऊपर वाले के बारे में लिखा हुआ सभी ग्रंथों में कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसकी तारीफ भी कर सको। सही है कि नहीं सर? कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ब्यूटीफुली आवर होम्योपैथिक रेमेडीज, अगर सही तरीके से उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो ऐसी ऐसी दुखी कंडीशन से लोगों को बाहर निकाल सकती है, उनको नई जिंदगी की होप दे सकती है।
बट मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, हिदायतें देना भी बहुत ज़रूरी है, उससे डेवलपमेंट क्योर ज़्यादा जल्दी होता है और ये श्योरिटी हो जाती है कि आगे बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं तो अपने उन धंधों में लगा रहेगा तो फिर से पड़ेगा बीमार। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, टायर अगर कील के ऊपर चढ़ेगा तो पंचर होगा ही होगा, एक बार कील निकाल के पंचर बना के सही कर दिया, यू कैन नॉट से कि अब दोबारा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके स्टॉप।